वेलकम टू एम जे स्टार एजुकेशन। स्वागत है आप सभी का दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल एम जे स्टार एजुकेशन पर। जैसा कि दोस्तों आपको पता है अभी RRB JE की सेकेंड शिफ्ट की एग्ज़ाम अभी ख़त्म हुई है और बच्चों का रिप्लाई आना शुरू हो गया है, तो हमने उनके क्वेश्चन के सारे जवाबों का कलेक्शन करके हमने आपके लिए ये वीडियो बनाया है जिसके अंदर सेकेंड शिफ्ट के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए दोस्तों, मुझे बताते हुए बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि क्वेश्चन दोस्तों रिपीट हो रहे हैं। इसलिए आप एनालिसिस से जुड़े रहें, हमारे एम जे स्टार एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन बटन को हिट कर लें ताकि हम RRB JE से रिलेटेड कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच जाएगा। खुशी की बात यह है दोस्तों, क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, खास करके GK का जो क्वेश्चन है वो रिपीट हो रहा है। इसलिए आप एनालिसिस ज़रूर देखें, क्या पता आपके इस एनालिसिस से डेली रेगुलर बेस पर देखने से आपका फ़ायदा हो और कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपका भटक के अगर आपके सामने आ गया तो आप एक मार्क्स नहीं ले पाए तो आपको बहुत अफसोस होगा। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखें बिना भगाए। तो चलो देखते हैं RRB JE 25 की क्या क्वेश्चन पूछा गया है शिफ्ट का एनालिसिस में। तो आप जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, प्यूपिल रिलेटेड टू विच बॉडी पार्ट्स आई। प्यूपिल जो होता है हमारे शरीर के किस अंग का भाग है, तो आँख का भाग है जैसा कि आपको पता है दोस्तों। एलिफेंटा केव्स, एलिफेंटा गुफा कहाँ है, तो जैसा कि आपको पता है महाराष्ट्र के अंदर है। UN की पहली महिला सचिव कौन है, तो UN की पहली भारतीय महिला सचिव थी विजयालक्ष्मी पंडित। एक GK से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, सबसे ज़्यादा लिग्नाइट कोयला कहाँ पाया जाता है, तो तमिलनाडु के अंदर। यूनिट ऑफ प्रेशर, दाब की इकाई क्या होती, पास्कल होती है दोस्तों प्रेशर की इकाई यूनिट। 2019 का ICC का चेयरमैन कौन है, तो शशांक मनोहर है दोस्तों, जैसे कि आपको बताया ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है दोस्तों 22-23 तारीख की एग्जाम में भी पूछा गया था। ये पॉल्यूशन एक्ट किस साल लागू हुआ, तो पॉल्यूशन एक्ट लागू हुआ 1974। ये मुझे किसी स्टूडेंट का रिप्लाई मिला है दोस्तों, आप इसको एक बार जरूर कंफर्म कर लें। राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में दिया गया है, 14 से 18 तक दिया गया है। पीलिया जिसको इंग्लिश में जॉइंडिस कहते हैं, यह रोग किस अंग को प्रभाव करता है, किस रोग, पीलिया रोग जॉइंडिस डिजीज किस हमारे ऑर्गन किस अंग को इफेक्ट करता है, तो यकृत लीवर को। एक क्वेश्चन पूछा गया था GK से, हम्पी अवशेष किस राज्य से है, तो हम्पी अवशेष जो है कर्नाटक राज्य में है। स्केटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का बिखराव से एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है, तो उत्तल लेंस होता है। ओम्स लॉ का नियम पे से एक क्वेश्चन पूछा गया था V = IR से रिलेटेड। नीला लिटमस पेपर का एसिड में डालने पर कौन सा रंग बन जाता है, तो लाल बन जाता है, अगर लाल लिटमस पेपर हो तो नीला बन जाएगा। अधातु आवर्त सारणी में कहाँ रखी गई है, इस पे एक क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। हीमोग्लोबिन में कौन सा एक प्रोटीन होता है, इस पे से एक क्वेश्चन पूछा गया था। और दोस्तों रही बात मैथ्स की और रीजनिंग की, तो उसका भी हम देख लेते हैं एनालिसिस, क्या किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे गए, क्या वो मॉडरेट थे, क्या वो ईजी थे क्वेश्चन। तो जैसा कि हमारे स्टूडेंट्स बच्चों लोगों ने बताया है, तो उस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ एनालिसिस। SI से तीन से चार क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसके अंदर से दो क्वेश्चन टफ थे और दो टफ थे। प्रॉफिट लॉस से एक क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, सिंप्लीफिकेशन से दो क्वेश्चन पूछा गया, मैंसुरेशन से दो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सीरीज से 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों, इसमें से 3 तो ईजी हो जाते हैं और 2 आपके हार्ड लेवल के अंदर पहुंच जाते हैं। इसलिए आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको जो आपको पहले आता है आप उसको अटेम्प्ट कीजिए और बाद में अगर छल्ले में अगर लास्ट में अगर अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो आप वापस से उन क्वेश्चन को देखिए जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं। और फिगर काउंटिंग ट्राइंगल पूछा गया था दोस्तों एक क्वेश्चन, जैसे आपको एक दे दिया था, ये ट्रिक ट्राइंगल है, इसके अंदर कितने आपको एक ट्राइंगल दे दिया गया था इस तरह का दोस्तों, इस तरह से उसमें डिवाइडेशन था, कितने ट्राइंगल है, तो आपको 1, 2, 3, 4 करके इन सब का टोटल करना था, 1, 2+3+4 करके आपको टोटल करना था, 4, 3, 7, 9, 2, 10 ट्राइंगल होंगे इसके अंदर, इस तरह का इजी पूछा गया था। और डायरेक्शन वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे, 3 क्वेश्चन पूछे गए थे डायरेक्शन से। सीटिंग अरेंजमेंट वाला क्वेश्चन पूछा गया था, एक ईजी था, 2 ट्रिकी टाइप के थे। ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे, 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। रेशियो से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे दोस्तों, जैसे मिल्क और वाटर का मिक्सअप है 2:3, बाद में 3:2 हो जाता है, उस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं।
परसेंटेज से एक क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री से चार क्वेश्चन पूछे गए दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री से भी आजकल क्वेश्चन आ रहे हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, आपको कमेंट और आप डेली रेगुलर एनालिसिस देखते रहिए कि एनालिसिस देखने से आपको पता चलता है कि क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। अगर वही क्वेश्चन भूले भटके से अगर आपके शिफ्ट के एग्जाम में आ रहा है तो आप ऐसे सामने से आने वाले मार्क्स को कभी आप रोकेंगे नहीं, और ये मार्क्स आपके अच्छे मार्क्स होते हैं, जो आपके गुड मार्क्स होते हैं, जो आपके मेरिट में आपको आगे पीछे कर सकते हैं। आप एनालिसिस रेगुलर देखिए। आज के लिए वीडियो में इतना ही, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।